गैप्स दिखने लगेंगे, जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे गैप्स आएंगे। प्लस आपको फिर ओला केयर में या फिर ओला कस्टमर केयर को या ओला सपोर्ट को बुलाना पड़ेगा, वो आए और फिर टो करके लेके जाए आपकी गाड़ी या फिर आकर सॉल्व करे वहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि क्या आपको ओला S1 या S1 Pro लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। हम इसके प्रोज और कॉन्स दोनों डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड में एक कंक्लूजन भी देंगे कि क्या आपको ओला S1 लेनी चाहिए या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बगैर किसी बकवास के। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोज की। तो सबसे पहला जो प्रो है वो है इसकी स्पीड। इसकी स्पीड बहुत ही अल्टीमेट है। मेरे पास ओला S1 जो आप देख रहे हैं अभी, ये ओला S1 है। ओला S1 में जो टॉप स्पीड है वो 95 किलोमीटर है। 95 किलोमीटर इनफ होती है, बहुत तेज़ होती है। तो इसके जो दूसरे अच्छे फीचर की बात करें तो वो है सेफ्टी। तो सेफ्टी में बेसिकली एक तो ये फ़ोन से अनलॉक हो जाती है, प्लस स्क्रीन पे भी इसका न्यूमेरिक लॉक होता है। तो न्यूमेरिक लॉक में आपको अगर 4 अटेम्प्ट आपने गलत किए तो वो कुछ टाइम के लिए डिसेबल हो जाता है। तो सेफ्टी के लिहाज से भी बहुत ही सेफ है ये। तो इसके तीसरे प्रो फीचर की बात करें तो फ्यूचरिस्टिक, मतलब इस प्राइस में अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने जा रहे हैं तो उसमें आपको ऐसा कोई इतने ज़्यादा फीचर्स के साथ कोई स्कूटर नहीं मिलेगा। स्पेशली जो इसका कीलेस और प्रॉक्सिमिटी अनलॉक है, ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन और फीचर है जो दूसरे स्कूटर्स में आपको जल्दी नहीं देखने मिलेगा। चौथे फीचर की बात करें तो इसका जो चौथा फीचर है वो पार्टी मोड। पार्टी मोड बहुत ही अल्टीमेट है। जैसे आपको किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है या कोई भी फंक्शन है घर में, तो इस पर जो ब्लूटूथ स्पीकर है उसको आप साइड स्टैंड पे लगाएं, ब्लूटूथ स्पीकर पे म्यूज़िक लगाएं और पार्टी मोड एनेबल करें, तो वो जो बीट्स होते हैं बीट्स के अकॉर्डिंग इसकी लाइट्स जो हैं वो ब्लिंक करेंगी और फुल ऑन पार्टी कर सकते हैं आप। पाँचवें फीचर की बात करें तो वो है स्पेस। इस गाड़ी में बहुत स्पेस है। आगे जो फुट है, जहाँ पे फुट होता है वहाँ पर भी स्पेस बहुत है। प्लस जो इसका बूट स्पेस है वो 36 लीटर्स का है, तो उसमें अप्रॉक्स 2 हेलमेट एक साथ आ जाते हैं और सामान बहुत कुछ रख सकते हैं इसमें। तो ये थे ओला के कुछ 5 प्रोज, मतलब अच्छे फीचर्स थे ये कुछ। अब हम लोग बात करते हैं कि ओला के कौन से बुरे फीचर्स हैं जिनकी वजह से आपको ओला नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहला फीचर जो है वो है लो बिल्ड क्वालिटी। इसकी जो क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही बकवास है। मतलब कुछ टाइम में आप जब चलाने लगेंगे इस गाड़ी को चलाएंगे तो आपको गाड़ी के अंदर गैप्स दिखने लगेंगे, जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे गैप्स आएंगे। प्लस इस पर फाइबर बॉडी है तो बहुत ही अजीब लगता है, बहुत हल्का लगता है जब चलाते हैं और डर भी लगा रहता है कि कहीं अगर हल्के से भी टच हुई तो डैमेज हो जाएगा। दूसरा जो फीचर है जिसकी वजह से आपको नहीं लेनी चाहिए ओला, वो है सॉफ्टवेयर बेस्ड। ये पूरी सॉफ्टवेयर बेस्ड है, इसमें कोई चाबी और कुछ भी नहीं है। अगर सॉफ्टवेयर हैंग किया तो आप खड़े रहोगे एक जगह पर, मतलब आपको फिर ओला केयर में या फिर ओला कस्टमर केयर को या ओला सपोर्ट को बुलाना पड़ेगा, वो आए और फिर टो करके लेके जाए आपकी गाड़ी या फिर आकर सॉल्व करे वहाँ पर। तो ये कहीं पर भी आप रिमोट एरिया में हो तो वहाँ पर फंस सकते हो। चौथा फीचर इसका जो है जिसकी वजह से नहीं लेनी चाहिए वो है स्क्रीन। इसकी जो स्क्रीन है वो बारिश के टाइम पे बहुत ही कम चलती है। तो अगर आपका फ़ोन हैंग हो गया या फ़ोन घर पे छूट गया और आप फ़ोन से अनलॉक नहीं कर सकते तो आपको लिटरली रुकना पड़ेगा एक जगह पर और बारिश से स्क्रीन को रोकना वो करना पड़ेगा और उसके बाद आप एक्सेस कर सकते हो स्क्रीन, क्योंकि बारिश में जो स्क्रीन है वो एक्सेसिबल नहीं होती, जल्दी टच नहीं हो रहा होता है सही चीज़ें। चौथा जो फीचर है जिसकी वजह से ओला नहीं लेनी चाहिए वो है इसका सेंटर स्टैंड लगने के बाद ग्राउंड क्लियरेंस। इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम हो जाता है। मे बी ये मेरे साथ इशू इस वजह से हो रहा हो क्योंकि मैंने थर्ड पार्टी लगवा रखा है। अभी तक कंपनी फिटेड मार्केट में रोल नहीं हुए हैं, कंपनी द्वारा जो प्रोवाइड की जाती है एक्सेसरीज, या हुए भी हैं तो बहुत कम लोगों को मिले हैं। तो थर्ड पार्टी सेंटर स्टैंड में प्रॉब्लम यह है कि ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम हो जाता है। जहाँ पर थोड़े भी ऊँचे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं वहाँ पर ये लड़ता है। पांचवा फीचर जिसकी वजह से ओला नहीं लेनी चाहिए वो इसका चार्जिंग कैप। चार्जिंग कैप पहले बहुत अच्छी क्वालिटी का था, बट अब ओला 2023 में जो चेंजेस किए हैं उसमें चार्जिंग स्लॉट में जो उसका जो कैप था वो हटा दिया है, उसकी जगह एक स्पंज दे दिया है।
उस पंच की वजह से पानी तो नहीं जाता है, बट जब वो खुलता है तो वो तो ओपन होता है, तो उसमें डस्ट भी जा सकता है और अगर खुला रह गया तो पानी भी चला जाएगा। तो इस वजह से चार्जिंग स्लॉट ख़राब होने के चांसेस हैं। तो ये बहुत ही गंदा फीचर है, ये बहुत ही गंदा अपडेट था ओला का, ऐसा नहीं करना चाहिए था इनको। तो ये थे कुछ प्रोज और कॉन्स, मतलब आपको ओला स्कूटर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इन फीचर्स के बेसिस पे आप डिसाइड करें। और एक बोनस फीचर आपको मेरी तरफ से कि ओला 2023 में जब आप लेंगे ओला, तो उसमें आपको जो फ्रंट फोक मिल रहा है वो अपग्रेडेड है, तो आपको कोई शेड्यूल अपॉइंटमेंट कुछ नहीं लेना है चेंज करवाने के, इवन आपको फ्रंट फोक चेंज करवाने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि जो नया वाला फ्रंट फोक है, मतलब फ्रंट सस्पेंशन है, वो इसमें आ रहा है और वो मजबूत है। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों से जो ओला लेना चाह रहे हैं। तब तक के लिए गुड बाय।